आप लोग कमेंट करें एक बार कि क्या आवाज आ पा रहा है आप लोगों के पास। साउंड नहीं है, वहीं हम भी लग रहा था कि आवाज में कुछ प्रॉब्लम तो है। चलें जो भी कोई रीजन देखते हैं। हेलो, आवाज अभी भी नहीं आ रहा। अब तो आवाज आ रहा मुझे लगता है। सब लोग जुड़ गए। गुड मॉर्निंग, आवाज आ रही है? अब बताइए आ रहा है आवाज की नहीं, जल्दी से कंफर्म करो। चलो गुड मॉर्निंग। तो मैं बता रहा था कि एक बेहद ही इंपॉर्टेंट सूचना आप लोगों के लिए आ चुका है। एक सप्ताह से हम नहीं थे, फिर भी इस बीच एक बहुत बड़ी खबर है कि एएलपी की जो भर्ती थी 3 गुना बढ़ा के 18,799 कर दिया गया। ठीक है, तो अब इसमें क्या होगा कि जो तैयारी का जो एनर्जी था, जो ऊर्जा था, वो दोगुना अब हो जाना चाहिए। और बाबू जो मैं पढ़ा रहा हूं ना, ये मैं पढ़ा रहा हूं बेसिक साइंस। ठीक है ना, क्या पढ़ा रहे हैं अभी हम? अभी हमको आपको हम पढ़ा रहे हैं बेसिक साइंस। ठीक है ना, बेसिक, ठीक है। और ये बेसिक साइंस 25 नंबर का आएगा। ठीक है, ये 25 नंबर का होगा। और आपको हम पढ़ाते हैं ड्राइंग, और ये ड्राइंग भी आपका 25 नंबर का होगा। ये दोनों को प्लस करते हैं तो ये हो जाता है इक्वल टू 50 नंबर। और सीवीटी 2 का ये पार्ट 1 है, और यही से सिलेक्शन आपका होगा। बाकी 50 नंबर मैथ और रीजनिंग रहेगा, लेकिन बेसिक साइंस और ड्राइंग 50 नंबर का आएगा। और एक बात और ध्यान से सुन लीजिए, जो बच्चा बेसिक साइंस और ड्राइंग अभी से नहीं पढ़ रहा है, थोड़ा थोड़ा ही करके, तो एग्जाम के टाइम में क्या लगता है, ये दोनों सब्जेक्ट आपके लिए नया, ड्राइंग तो बिल्कुल नया है, क्वेश्चन ही लेगा नहीं है। जो अभी से पढ़ रहा है, मेरी बातों को मान रहा है, नोट्स बना रहा है, तो समझो उसके लिए तो कुछ कहना ही नहीं है, वो तो गजब तरीके से स्कोर करेगा। ठीक है, हाँ, विशाल सिंह बोल रहे सर केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी को स्टार्ट करा दीजिए। वो भी स्टार्ट होगा बाबू, सब स्टार्ट कराएंगे, बस धीरे धीरे सब हो रहा है, बने रहिए हमारे साथ। तो चलिए क्या करें, शुरू करते हैं क्लास। सभी लोग जुड़ चुके हैं, कमेंट करिए एक बार कि क्लास को शुरू किया जाए। तो आइए, आज का जो पहला चैप्टर है, नया चैप्टर शुरू कर रहे हैं, ये 18वां क्लास है। इससे पहले 17 क्लास हो चुका है, जिसमें हम लोगों ने 2-3 चैप्टर कवर कर लिया है। और ये आज मेरा नया चैप्टर है, जिसका नाम है स्पीड एंड वेलोसिटी। क्या है? स्पीड एंड वेलोसिटी है। तो आप बताइए, स्पीड का मतलब क्या होता है? स्पीड का मतलब चाल होता है, ठीक है, और वेलोसिटी का मतलब वेग होता है। ठीक है ना, दोनों की फॉर्मूले की हम बात करें तो चाल का ही फॉर्मूला ही होता है। क्या होता है भाई? स्पीड इक्वल टू दूरी बटा समय, यही होता है ना, दूरी बटा समय। और वेग का भी मतलब क्या होता है? दूरी बटा समय। तो दूरी का मतलब, दूरी का डायमेंशन क्या होता है? मीटर होता है, और समय का टाइम होता है, तो मीटर पर सेकंड, यही होता है ना डायमेंशन, मीटर पर सेकंड। और इसका भी यही होगा, तो अगर चाल का डायमेंशन की बात करें तो इसका भी क्या होगा? यही होगा, मीटर पर सेकंड। ठीक है, तो दोनों में सारी चीजें कॉमन है, किसी तरह का कोई अंतर नहीं है। तो फिर दो चीजें क्यों लिखा गया, स्पीड एंड वेलोसिटी क्यों लिखा गया? दिमाग में ये चीजें घूम रहा होगा कि दोनों जब कॉमन चीज है, दोनों में सारी चीजें एक जैसा दिख रहा है, तो फिर ये दो चीजें क्यों लिखा गया? तो बाबू इसलिए लिखा गया कि जो चाल है ना, है ना, चाल का मतलब बोलते हैं ना कि आपका चाल चलन खराब है, बोला जाता है ना कि चाल चलन खराब है, चाल रहन खराब है। इसका मतलब होता क्या है कि उसका गति का कोई लिमिट नहीं है, कभी इधर कभी उधर, कभी इधर तकता उधर कभी जाता है, कभी इधर भागता है कभी उधर भागता है, और चाल और रहन खराब है, है ना। बोला जाता है जब घर में बच्चा बिगड़ जाता है, बहुत ज्यादा प्यार मोहब्बत के चक्कर में पड़ जाता है, इधर उधर चोरी वोरी करने लगता है, तो बोलते इसका चाल रहन खराब है। चाल का कोई डायरेक्शन ही नहीं है, कहां जाएगा, किधर जाएगा, क्या करेगा, चोरी करेगा,
कि किसी को मारेगा, पीटेगा, क्या करेगा, कोई भरोसा ही नहीं है, तो उसका चाल खराब है, चाल का कोई डायरेक्शन ही नहीं है, क्या करेगा। वेग क्या होता है, एक इसमें निश्चित दूरी होता है, ठीक है ना, एक सॉरी इसमें निश्चित डायरेक्शन होता है कि ये काम करना है, ये चीजें करनी है। जैसे आपको मैं बोले कि बाबू ये लो 10 रुपया और जाकर दुकान से 10 रुपये का बिस्किट खरीद के लेके आओ जल्दी से, तो हम कह रहे हैं बाइक के वेग में जाना, तुरंत आना। मतलब ये जो जाएगा बच्चा ना, ये वेग से जाएगा, वेग से मतलब वही जाएगा, दुकान में जाएगा, बिस्किट का पकड़ उठाएगा, वापस आ जाएगा, ये वेग हो गया। मतलब यहां पर डायरेक्शन क्लियर था, हमने उसको डायरेक्शन दे दिया कि बाबू तुमको जाना है दुकान और वहां से बिस्किट की पकड़ उठाकर वापस आना, ये वेग हो गया। और ये जाएगा तो एक दूरी तय करेगा, मान लीजिए कि 10 मीटर है, 20 मीटर है, जो भी है, 10 मीटर दूरी तय किया और टाइम मान लीजिए 5 सेकंड टाइम लिया, कितना लिया, 5 सेकंड टाइम लिया, ठीक है, तो गया और आ गया। और इस वाले को हम बोलेंगे कि भाई ये 10 रुपया लो और तुम बिस्किट खरीद के लेकर आओ, क्या बोले मैं कि 10 रुपया ये लो और बिस्किट खरीद कर लेते आओ। अब ये बिस्किट कौन से दुकान से खरीदेगा, कहां जाएगा, क्या करेगा, हमको नहीं पता है, हमें चाहिए बिस्किट। और ये भाई साहब पैसा उठाए और चले गए मार्केट, वहां से 2-3 दुकान घूमे, कहीं से बिस्किट लेके आके हमको दे दिए, टाइम अच्छा खासा लिए। तो ये हो गया चाल कि भाई ये अपनी मनमर्जी का मालिक है, ये कहां जाएगा कोई किसी को कोई नहीं पता, मतलब इसका डायरेक्शन होता ही नहीं है, दिशा नहीं होती है। और इसका पता है कि ये इस दुकान में जाएगा वापस आएगा, इसका डायरेक्शन पता है कि ये कहां जाने वाला है, कहां से आने वाला है, समझ गए। तो ये हो गया अदिश राशि और ये हो गया सदिश राशि, ये हो गया स्केलर क्वांटिटी चाल और वे हो गया वेक्टर क्वांटिटी, समझ गए। ये टॉपिक का नाम है स्पीड एंड वेलोसिटी, ठीक है। तो मेरे ख्याल से इतना क्लियर हो गया होगा कि स्पीड और वेलोसिटी, चाल और वेग क्या है, आप समझ गए होंगे। एक बार कमेंट करके हमें सूचित करिए कि आप इस बात को समझ गए हैं, तब हम इसको आगे बढ़ते हैं, ठीक है। एक बार बाबू कमेंट करके हमें सूचित करिए आप लोग कि आप स्पीड और वेलोसिटी समझ चुके हैं, कि स्पीड और वेलोसिटी होता क्या है, ठीक है। आप लोगों के कमेंट का इंतजार है, अब हम आगे बढ़ेंगे। बॉडी एट रेस्ट है ना, बॉडी एट रेस्ट का मतलब क्या होता है कि कोई वस्तु जब स्थिर अवस्था में हो, वस्तु बॉडी एट रेस्ट का मतलब वस्तु स्थिर अवस्था में हो, स्थिर अवस्था में हो, ठीक है ना, ये फिजिक्स का सारा टर्म है, इसी के अकॉर्डिंग सोचना है, ठीक है। बॉडी एट रेस्ट का मतलब कि कोई वस्तु स्थिर अवस्था में है, उसको हम बोलेंगे बॉडी एट रेस्ट, ठीक है। अब ये हम पता कैसे करेंगे कौन सा बॉडी है, कौन सा वस्तु है जो रेस्ट कंडीशन में, कौन सा वस्तु चल रहा है। मान लीजिए एक ट्रेन में कोई व्यक्ति यात्रा कर रहा है ना, ट्रेन में कोई व्यक्ति यात्रा कर रहा है ना, जैसे आपको दिखाते हैं एक फिगर के माध्यम से, ये रहा मान लीजिए ट्रेन है, ये मोदी जी वाला तेजस ट्रेन है मान लो, ठीक है। और इस ट्रेन में एक व्यक्ति बैठा हुआ है इस सीट पे, ठीक है, ड्राइवर इसको चला रहा है, ये कपाट में ये बोगी है, ठीक है, एक आदमी यहां बैठा हुआ है, ठीक है। अब क्या हम इस आदमी को बोल सकते हैं कि ये रेस्ट कंडीशन है, क्योंकि ये तो बैठा हुआ है, ये तो चल नहीं रहा है, ट्रेन चल रहा है ना, ट्रेन चल रहा है, ये दोनों व्यक्ति आपस में एक जगह बैठे हुए कर रहा है, आराम से बैठा हुआ है, इसकी पोजीशन कैसे हम डिफाइन करेंगे, किसी चीज को हम कैसे बोलेंगे भाई वो रेस्ट में है, कैसे बोलेंगे, कैसे बोलेंगे। मान लीजिए हम साइकिल चला रहे हैं, ठीक है ना, बाइक चला रहे हैं, बाइक पे पीछे अपनी गर्लफ्रेंड को बैठाए हैं, बैठाते भी होंगे आप लोग है ना, बैठाए हैं, या गाड़ी में जा रहे हैं अपने गलत फ्रेंड के साथ बैठे हुए हैं, तो बताइए कि किसका बॉडी रेस्ट में, कौन सा बॉडी यात्रा कर रहा है ना, बोलोगे ना कि हम लोग क्या कर रहे हैं, चल रहे हैं, यात्रा कर रहे हैं, चल रहे हैं कि नहीं चल रहे हैं, आप बताइए कमेंट करके। देखिए अब यहां पे क्या होगा, समझिए चीज को, हम किसी के सापेक्ष में चीजों को देखते हैं, हम किसी के सापेक्ष में देखते हैं। अगर हम बात करें कि हम बाइक पे मान लीजिए जय सिंह है, निरंजन है, जो भी लोग हैं बाइक पे अपने मित्र के साथ पीछे बैठे हुए हैं, ठीक ना, बाइक चला रहे हैं, आपके मित्र पीछे बैठा हुआ, आपका मित्र और आप, ये दोनों एक दूसरे के रेफरेंस में रेस्ट में है, एक दूसरे के रेफरेंस में रेस्ट में है, लेकिन कोई व्यक्ति यहां पर बैठा खड़ा है, कोई व्यक्ति यहां पर खड़ा है, अगर ये ही चीज को देख रहा है तो बोलेगा कि दोनों गति में है, ये दोनों आपस में क्या है, स्थिर है, एक दूसरे के सापेक्ष में, एक दूसरे के सापेक्ष में क्या है, ये लोग आराम है, रेस्ट में, मोशन नहीं है इनमें, ठीक है ना, बैठे हुए हैं।
स्थिर है, लेकिन वही जब ये बाहर है, मतलब ये ट्रेन और इनके सापेक्ष में ये क्या गति, लेकिन गति नहीं कर रहे हैं, समझ रहे, ये होता है। तो हम किसी रिफरेंस में चेक करते हैं गति हो रही है नहीं हो रही है। अब अगले बार से आपसे कोई पूछे कि कोई वस्तु स्थिर है, हम कैसे पता करेंगे, तो भाई एक ही बात है कि वस्तु कहां है, किस कंडीशन में, कहां से देखा जा रहा है, तब हम बता पाएंगे कि वो रेस्ट में या चल रहा है, है ना। हम भी ट्रेन में, आप भी ट्रेन में है, दोनों लोग खड़े हैं एक जगह बात कर रहे हैं, तो दोनों लोग रेस्ट में है, लेकिन जो बाहरी व्यक्ति है वो अगर आपको देख रहा है तो बोलेगा कि नहीं भाई साहब ये तो चल रहे हैं, यात्रा कर रहे हैं, भले किसी के सहारे चल रहे हैं लेकिन ये तो जा रहे हैं, क्योंकि उनके सापेक्ष में डिस्टेंस और समय दोनों बदल रहा है। लेकिन आप जो दोनों एक साथ में, तो डिस्टेंस तो कोई तय ही नहीं कर रहे, आप दोनों सामने खड़े हैं तो रेस्ट में है, ठीक है, हो गया क्लियर। साउंड क्लियर नहीं है, साउंड में प्रॉब्लम है, अब प्रॉब्लम नहीं है भाई, ऐसा मत बोलो, प्रॉब्लम है क्या साउंड में, अभी अगर आप जुड़े हैं तो आपको साउंड में प्रॉब्लम दिख रहा होगा, लेकिन साउंड में प्रॉब्लम नहीं है अभी फिलहाल, ठीक है, आगे बढ़े। साउंड क्लियर, ठीक है। अब बोल रहा है कि यहां पे डिफिनेशन लिखा हुआ है, जब कोई वस्तु अपने परिवेश के सापेक्ष में अपनी स्थिति नहीं बदलता है तो उस वस्तु को स्थिर कहा जाता है, ठीक है। तो ये जो डिफिनेशन जो लिखा हुआ है, इसका मीनिंग आप समझ गए होंगे कि क्या लिखा हुआ है, कि जब कोई वस्तु अपने परिवेश के सापेक्ष में क्या करता है, स्थिति को नहीं बदलता, उस वस्तु को हम स्थिर कहते हैं। आज के बाद ये आप लोग बताएंगे, ठीक है। अब आइए, एक यहां पे चीज दिया हुआ, बड़ा इंटरेस्टिंग चीज है, समझिए इसको, ये टेबल है, ठीक है ना, ये टेबल पे किताब रखा हुआ है, ठीक है, एक किताब रखा हुआ है, तो बोल रहा है कि टेबल पे दो फोर्स लग रहा है, ठीक है ना, दो फोर्स लग रहा है, एक दोनों को अलग अलग नाम से हम जानते हैं, एक तो इसका वेट की वजह से नीचे फोर्स लग रहा है ना, इसमें वजन होगा इस किताब में, तो एक नीचे की तरफ फोर्स लग रहा होगा, जिसको हम लोग बोलते हैं वेट, ठीक है ना, वेट, जिसको हम बोलते हैं क्या, वेट, डब्ल्यू बोलते हैं, W इक्वल टू होता है एम इंटू जी, मास इंटू ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है ना, वेट होता है। तो नीचे का लग रहा है कि एम जी फोर्स लग रहा है, डब्ल्यू, ठीक है ना, नीचे की तरफ, जिसको हम बोलेंगे वेट, ठीक है, और एक ऊपर की तरफ फोर्स लग रहा है जिसको बोलेंगे जी, और ये निगेटिव फोर्स है जो ऊपर की तरफ लग रहा है, और ये क्यों लगता है, क्योंकि टेबल इसके ऊपर रिएक्ट कर रहा है, रिएक्शन, ठीक है ना, ये रिएक्शन फोर्स बोलते हैं, क्यों रिएक्शन फोर्स बोलते हैं, न्यूटन के अनुसार हम लोग पढ़ेंगे जब तो पता चलेगा, क्योंकि जब इस पे हम वेट लगाए नीचे की तरफ तो टेबल उतना ही फोर्स ऊपर की तरफ लगाया है, इसीलिए ये किताब जो यहां पर रुका हुआ स्थिर कंडीशन में, समझ रहे मेरी बात को, एन मतलब, एन मतलब यहां पे रिएक्शन बता रहा है कि भाई एक फोर्स इसके वजन के वजह से नीचे की तरफ फोर्स लग रहा है, और वो जो वजन होता है, वेट जो होता है, वो एमजी होता है, मास इनटू ग्रेविटी होता है, ठीक है। टेबल इस किताब के ऊपर ऊपर की तरफ एक फोर्स लगा रहा है जिसको हम बोलेंगे रिएक्शन फोर्स, क्या बोलेंगे हम लोग, रिएक्शन फोर्स बोलेंगे, इस वजह से किताब यहां पे स्थिर है, और दोनों बैलेंस कंडीशन में, दोनों इक्वल है, प्लस माइनस का डिफरेंस है, ये प्लस में है पॉजिटिव में और ये नेगेटिव में, लेकिन दोनों की वैल्यू इक्वल है, इसीलिए यहां पे रुका हुआ है। वही स्पेस में हम जाते हैं ना, तो स्पेस में क्या होता है कि वहां पे जी नहीं होता है, ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं होता है, तो वहां पर कोई फोर्स काम नहीं करता, इसीलिए वहां पर स्थिरता नहीं बन जाती, आप इधर उधर हिल डोल करते रहिएगा, वेट लॉस अपने आपको महसूस करिएगा, ठीक है। तो ये स्थिति यह है कि कोई वस्तु रेस्ट कंडीशन में है तो उस पर एक वेट की वजह से वो रेस्ट है, और उसके उतना ही फोर्स ऊपर की तरफ अपोजिट लगता है, ठीक है, ये समझ गए होंगे आप लोग, अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब द बॉडी एट मोशन, मतलब वस्तु का मोशन के बारे में बोल रहा है कि बॉडी कब मोशन में होता है, उसके बारे में यहां पर जानकारी दिया कि बॉडी एट मोशन, ठीक है ना, वस्तु का गति, क्या हिंदी होगा इसका, वस्तु का गति। अब गति के प्रकार होता है, बहुत सारे गति होता है, ठीक है ना, यहां पर देखिए एक दो तीन चार, ये चार गतियों के बारे में बताया गया, और यही हमारे सिलेबस में कि चार प्रकार की गति होती है, ठीक है। कमेंट आप लोग कर रहे हैं, सर जी एप पर टेस्ट कब कराओगे,
बेबी पाल, आप टेस्ट के लिए जो ये ड्राइंग और बेसिक साइंस का जो टेस्ट है अभी जरूरत नहीं है, सीबीटी वन पर ध्यान दीजिए, ठीक है। और सीबीटी वन के लिए हम ना फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी आपका मैथ और रीजनिंग का सेट एक इस महीने लास्ट तक उपलब्ध करा देंगे। जो बच्चे पेड क्लास में उनको सारा टेस्ट मिल जाएगा, प्रैक्टिस करिएगा। और हमने टेस्ट भी स्टार्ट करेंगे, ऑफलाइन प्रैक्टिस सेट भी शुरू होगा सीबीटी वन के लिए, उसके लिए भी आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा। और जो बच्चे फुल कोर्स में रेलवे का उनको फ्री में मिलेगा, ठीक है। तो आइए समझते हैं यहाँ पे मतलब वस्तु का गति, ठीक है। तो गति कितने तरह का होता है, चार तरीके का यहाँ पर गति के बारे में हम लोगों को पढ़ना है, ठीक है। एक होता है रेक्टिलिनियर गति, ठीक है ना, जो सीधा हम दौड़ते हैं ना रेक्टिलिनियर इसको बोलते हैं। सर्कुलर गति, जो किसी एक बिंदु के सापेक्ष में उसकी चारों तरफ घूमता रहता है, है ना। ये अपना कभी भी केंद्र को नहीं बदलता, इसका केंद्र स्थित है, यही रहेगा केंद्र इसका, और इसी के चारों तरफ ये घूमता रहेगा, इसको बोलते हैं सर्कुलर गति। एक रेडियस में ये एक इक्वल रेडियस में घूमता रहता है, उसको सर्कुलर बोलते हैं। एक निश्चित त्रिज्या के अंदर में घूमेगा, ये कभी इधर से नहीं घूम जाएगा, ठीक है ना, हमेशा घूमेगा तो यही घूमेगा, इसको सर्कुलर बोलते हैं। रोटेशनल कैसे बोलते हैं, ये बार बार अपना दिशा चेंज करेगा, बार बार इसका जो पॉइंट है ना केंद्र है वो चेंज होता रहेगा, ये किसका एक फिक्स केंद्र नहीं होता है। ये रोटेशन मतलब कि ये गति में है लेकिन इसका कोई माई बाप नहीं है, कहां रहेगा कैसे जाएगा, ये गति करते हुए रोटेशन करते हुए निकलेगा। जैसे सूरज का गति है, लेकिन सूरज का भी एक फिक्स पॉइंट होता है, इसका कोई फिक्स पॉइंट नहीं, ये रोटेट कर रहा है, अब कहां जाएगा ये रोटेट करते हुए कोई भरोसा नहीं है, ठीक ना। पीरियोडिक गति में क्या होता है कि ये ना एक हाफ गति जिसको बोले, यहां से यहां तक आएगा, बार बार एक निश्चित अंतराल में एक निश्चित दूरी के बीच में ये अप और डाउन की तरफ जाएगा, ठीक है। ऐसे ये 360 नहीं होता है, ठीक है ना, उससे कम होता है, आधा हाफ सर्कल के अंदर में ये ऐसे उत्तोलक जिसको बोलते हैं। तो चार तरह की यहां पर गति है, रेक्टिलिनियर, सर्कुलर, रोटेशनल और पीरियोडिक, ठीक है। ये चार तरह के गतियों के बारे में हम लोग पढ़ेंगे और इसी पे हमें फॉर्मूला या न्यूमेरिकल पूछा जाएगा। आगे हम लोग बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे इस गति पे, ठीक है। अब ये बोल रहा है कि डिफिनेशन थोड़ा देख लेते हैं कि जब कोई वस्तु अपने परिवेश के सापेक्ष अपनी स्थिति बदलता है तो उसे गति में कहा जाता है। कोई भी वस्तु है अपने परिवेश में किसी के सापेक्ष क्या करता है, अपनी स्थिति को बदलता है तो गति बोलते हैं। जैसे हम क्या है, आपको दिख रहा है हम मूव कर रहे हैं तो ये गति में है, चाहे आप और आपके फ्रेंड बात कर रहे हैं और बात करते के दौरान चल रहे हैं तो एक दूसरे के सापेक्ष में गति में है। अगर आप दोनों लोग खड़े हो गए तो एक दूसरे के सापेक्ष में आप लोग खड़े हैं, है ना। तो अभी जब ट्रेन वाला एग्जांपल दिया तो आप समझ गए होंगे कि गति में क्या होता है, ठीक है। अब हो रहा है इसमें कि भाई गति जो होता है वो कुछ भी हो सकता है। द मोशन मे बी लिनियर इफ द बॉडी मूव्स इन ए स्ट्रेट लाइन, इट मे बी सर्कुलर व्हेन मूव इन कर्व पाथ। बोल रहा है कि अगर स्ट्रेट लाइन में कोई चीजें चल रही है, सीधा कोई एक लाइन पे कोई आगे तक तरफ बढ़ रहा है, उसको लिनियर मोशन बोलते हैं, रेक्टिलिनियर मोशन बोलते हैं, क्या बोलते हैं, लिनियर मोशन बोलेंगे। लेकिन अगर कोई कर्व पाथ के अंदर में कोई चीजें घूम रहा है उसको हम सर्कुलर बोलेंगे, है ना। उसी तरह से रोटेशनल, ये इसका कोई फिक्स केंद्र नहीं होता, ये घूमता रहता है लेकिन ये कहां जाए कोई डायरेक्शन फिक्स नहीं। तो आप समझ रहे होंगे कि इसको रोटेशनल क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये घूमता है लेकिन अपने अक्ष के एक फिक्स केंद्र पर नहीं घूमता है, ठीक है। अब पीरियोडिक आप समझ ही रहे होंगे, ठीक है। तो ये चार तरह की गति होती है, अब इनके बारे में डिटेल्स नहीं पढ़ना इसलिए हम आगे बढ़ते हैं। अब समझते हैं डिस्प्लेसमेंट, विस्थापन। विस्थापन क्या होता है भाई, आइए विस्थापन के बारे में समझते हैं। विस्थापन क्या है, जब कोई वस्तु एक बिंदु से दूसरे बिंदु की तरफ किसी पथ पर गति करती है तो उन दोनों बिंदुओं के बीच की न्यूनतम दूरी को क्या बोलते हैं, विस्थापन बोलते हैं। ध्यान रखिएगा, न्यूनतम दूरी के विस्थापन बोलते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए यहां पर देख सकते हैं आप, एक पॉइंट है यहां पर, ये बच्चा खड़ा है, ठीक है ना, ये बच्चा चलना शुरू किया और इसका जो चलने का जो तरीका था ना, तो ये बहुत बदमाश बालक था, बोला कि हम ऐसे ऐसे नहीं जाएंगे। हम कहे जाएंगे, इसको बोलेंगे भाई यहां जाना है तुमको, यहाँ ये अपने मामा के यहाँ जाना है। इसका कौन है, ये मामा जी है, ठीक है ना, मामा जी के पास जाना है इसको। लेकिन ये बालक जो था बहुत शरारती था, क्या था, शरारती था, बोला कि हम इधर नहीं जाएंगे, बीच में मेरा दोस्त का एक घर है, ठीक है, मेरा एक दोस्त का घर है, उसके साथ मिल के हम जाएंगे, ठीक है। तो इन्होंने अपना चलना इन्होंने शुरू किया, ये क्या क्या चलना शुरू किया, ऐसे ऐसे घूमते हुए, ऐसे ऐसे अपने दोस्त के घर गया, अपने दोस्त को साथ लिया, ऐसे ऐसे घूमते घूमते ऐसे ऐसे जाकर अपने मामा जी के घर पहुंचा, ठीक है। तो आपसे पूछेगा कि भाई विस्थापन कितना हुआ, इस बालक का विस्थापन
विस्थापन कितना हुआ है ना, विस्थापन कितना हुआ, तो इसने कितना डिस्प्लेसमेंट किया, मतलब अपने पोजीशन से ए से ये ए पॉइंट बता और बी पॉइंट तक पहुंचने में इन्होंने अपने जगह से कितना दूरी तक आगे बढ़ गया। तो हम वाला काउंट नहीं करेंगे, ये जो दूरी है ना, ये दूरी भले बहुत ज्यादा हो सकता है, इससे मतलब नहीं है, हो सकता है ये 20 किलोमीटर हो, है ना, ये हो सकता है 20 किलोमीटर हो और ये हो सकता है 10 किलोमीटर हो, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, मिनिमम डिस्टेंस देखते हैं कि जाने का सबसे नजदीक वाला रास्ता कौन है, तो सबसे नजदीक वाला रास्ता क्या है, ई वाला रास्ता है, और ये कितना किलोमीटर है, 10 किलोमीटर है। तो एक्चुअल में ये 10 किलोमीटर ही दूरी बढ़ा है, लेकिन इसका चाल रहन खराब था तो ये वेग से नहीं गया, चाल से गया, है ना, घूमते हुए इधर घूमते हुए पहुंचा। तो ऐसे तो 20 किलोमीटर की यात्रा तय किया है, लेकिन उससे मतलब नहीं है, इसका जो डिस्प्लेसमेंट और विस्थापन हुआ है मात्र 10 किलोमीटर तक ही हुआ है ना। हम इसी रूम में जिसमें हम स्टूडियो में पढ़ा रहे हैं, इसी में गोल गोल दिन भर घूमते रहे, तो हो सकता है हम 100 किलोमीटर के हम यात्रा कर लिए, लेकिन है कहां, हम वहीं पे जहां थे, तो हमारा विस्थापन ही नहीं है, समझ रहे ना। तो विस्थापन और डिस्टेंस में ही अंतर होता है, दूरी और विस्थापन का जब बात आएगा, तो दूरी तो इन्होंने बहुत तय किया, ऐसे ऐसे घूमते हुए गया, ये बहुत दूर तक गया, 20 किलोमीटर तक यात्रा किया, डिस्टेंस बहुत दूर तक गया, लेकिन विस्थापन 10 किलोमीटर हुआ, ठीक है। क्यों, कि सबसे न्यूनतम जो दूरी होता है ना यही है, ये दोनों के बीच का न्यूनतम दूरी 10 किलोमीटर है, तो विस्थापन क्या होता है, न्यूनतम दूरी होता है, याद रखेंगे आप लोग, चलिए ठीक है, समझ गए, आगे बढ़े। अब स्पीड, स्पीड मतलब क्या होता है, गति, स्पीड मतलब गति, और ये गति के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, चाल के बारे में पढ़ेंगे, गति मतलब चाल, है ना, ये चाल, और जिसका चाल खराब होता है, चाल चलन खराब होता है, वो क्या होता है, सदिश राशि होता है, नहीं अदिश राशि होता है, और जिसका चाल रहन सही होता है वो सदिश राशि, तो अदिश राशि मत बनिए, चाल रहन मत खराब करिए, नहीं तो जिसका चाल रहन खराब है उसका नौकरी नहीं मिलता है। तो आइए एक ट्रायंगल मेथड से हम लोग समझेंगे चीजों को, ठीक है, एक बार फिर से आप लोग कमेंट करके हमें सूचित करिए कि मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है, समझ में आ रहा है कि नहीं, क्योंकि हम पढ़ाए जा रहे हैं और आपको पता नहीं समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है, तो एक बार कमेंट करके आप लोग हमें सूचित करेंगे कि आपको मजा आ रहा है और समझ में भी आ रहा है। और आज तो बहुत सारे जो पुराने बच्चे हैं नहीं दिखाई दे रहे हैं, एमके गेमर्स, सुनील पाल, गौरव, बेबी पाल, निरंजन, यूनिक, युवा स्टार, विनय, गुड्डू, निरंजन, विशाल, देसी लाइफ ब्लॉग, चलिए कमेंट करके बताइए कि मजा आ रहा है, समझ में आ रहा है चीजें, एक बार आप लोग कमेंट कर दो। टेक्नीशियन का लिए करा दाना टेस्ट, अच्छा टेक्नीशियन का टेस्ट तो बाबू विशाल चल ही रहा है ना टेक्नीशियन का, और क्लियर, निरंजन, शुभम, गौरव, गुड्डू, मजा आ रहा है, चलो बढ़िया, जय सिंह, दिलीप ओरेन, निरंजन, वी आर एंजॉयिंग, बहुत बहुत धन्यवाद निरंजन कुमार, धर्मेंद्र, गुड मॉर्निंग, बच्चे कम होते हैं तो और मजा आता है पढ़ाने में, सबका नाम लेते हैं तो एक अलग ही फील आती है ना। और कुछ बच्चे थे जो और भी जुड़ते थे, लेकिन आज कुछ लोग नहीं जुड़े हैं, कोई बात नहीं, क्योंकि एक सप्ताह से क्लास बंद था तो हो सकता है मिस कर गए होंगे आप लोग। गुड्डू कुमार, शुभम जी, चलिए सब लोगों को मजा रहा है, आगे बढ़ते हैं, ओके थैंक यू, लव यू सबको, आइए क्लास को आगे बढ़ाते हैं, ठीक है। देखिए, किसी वस्तु के विस्थापन की दर को चाल कहते हैं, ठीक है ना, किसी वस्तु के विस्थापन की दर को चाल कहते हैं, है ना, समझ गए ना, किसी वस्तु के विस्थापन की दर को चाल कहते हैं। अब विस्थापन वाला, हाँ बोले थे ना कि पॉइंट ए है, ध्यान रखना डिफिनेशन में ही छुपा हुआ है, ये पॉइंट ए हो गया, ठीक है ना, और यहां पॉइंट बी था, ये जो लड़का था ऐसे ऐसे घूमते हुए दोस्त के घर के यहां इधर पहुंचा है, और इन्होंने मान लीजिए 20 मीटर की यात्रा तय किया, और एक एक बालक, और एक बालक था तय किया, और यहां से यहां की जो दूरी है कितना है, 10 मीटर है, कितना है, 10 मीटर है, ठीक है, इधर से जाने में इसको टाइम लगा कितना, 25 सेकंड, कितना लगा समय, 25 सेकंड, और इधर से गया तो इसको लगा 10 सेकंड, ठीक है। तो कोई बोलेगा चाल निकालिए,
तो क्या बोल रहा है, चाल की विस्थापन की दर को चाल कहते हैं, किसी वस्तु के विस्थापन की दर को चाल कहते हैं। तो विस्थापन इसको ना बोलते हैं भाई, हम लोग किसको बोलते हैं, विस्थापन इसको बोलते हैं, ये कितना विस्थापित हुआ, ये नहीं बोलेंगे। तो जो डेटा लेंगे हम लोग कि स्पीड चाल किसको बोलेंगे, चाल, चाल का होता है विस्थापन मतलब दूरी, विस्थापन मतलब ब्रैकेट में क्या होगा, दूरी, दूरी अपन समय। तो कौन लगे भाई विस्थापन में, ये 20 लिखेंगे दूरी के, विस्थापन कितना लिखेंगे, 40 इक्वल टू कितना लिखेंगे बताओ, कितना लिखेंगे, 20 लिखेंगे कि 10 लिखेंगे, कमेंट करो जल्दी से। तो क्या लिखेंगे, 10 मीटर, और नीचे टाइम कितना है ना, समय, समय कितना है 10 सेकंड है, तो 10 सेकंड लिखेंगे यहां पे, तो दोनों कट जाएगा, तो एक हो गया, एक हो गया ना जी, तो एक हुआ तो क्या लिखेंगे, एक, आंसर क्या है हमारा, एक हो गया, एक बार में कटा है ना, तो एक मीटर, ऊपर मीटर है नीचे सेकंड, एक मीटर पर सेकंड। तो इसका चाल कितना है, इस बालक का, ए का चाल 1 मीटर पर सेकंड है, क्योंकि कभी भी हम क्या करते हैं, विस्थापन से ही हम क्या निकालते हैं, चाल निकालते हैं, चाल किससे निकालते हैं, विस्थापन से। अब इससे नहीं मतलब कितना दूरी तय किया, हो सकता है 20 मीटर तय किया हो, 40 मीटर तय किया हो, लेकिन उसका मिनिमम डिस्टेंस क्या है, दोनों वस्तुओं के बीच में मिनिमम डिस्टेंस कितना है, तो 10 मीटर है, तो हम इसी से निकालेंगे। ठीक है, समझ रहे होंगे आप लोग, गौरव कुमार, ओके। और आप लोगों को मालूम ही है पहले से है कि चाल एक अदिश राशि है, इसका कोई निश्चित दिशा नहीं होता है, इसका एसआई मात्र मीटर पर सेकंड होता है। चाल जो है ना, चाल क्या है, अदिश राशि है, क्या है, अदिश राशि है, ठीक है, क्या है, अदिश राशि है। अदिश राशि का मतलब क्या होता है कि दिशा नहीं होता है, अदिश राशि में क्या नहीं होता है, दिशा मतलब डायरेक्शन नहीं होता है, दिशा नहीं होता है, दिशा, अदिश राशि का मतलब दिशा नहीं होता है, क्या होता है, परिणाम होता है, परिणाम मतलब मैग्नीट्यूड, परिणाम होता है, परिणाम मतलब मैग्नीट्यूड, क्या परिणाम है, तो यहां पर आया था ना 1 मीटर पर सेकंड, तो 1 मीटर क्या है, परिणाम, 1 मीटर पर सेकंड परिणाम है, लेकिन किधर जाएगा ये नहीं पता है किधर गया था। ठीक है, तो ये स्पीड के बारे में आप लोग समझ गए होंगे। ठीक है, अब अगला हम पढ़ेंगे, अब यहां पे थोड़ा सा ट्रायंगल है, इसके बारे में हम समझाते हैं आपको, एक मिनट बस वेट करिएगा, थोड़ा ऑफिस से कॉल आ रहा है, ओके। तो यहां पे देखिए आप लोग क्या है, ये एक ट्रायंगल है, ट्रायंगल का दरम्यान क्या है, डी, डी मतलब डिस्टेंस, डी एस टी, ठीक है ना, याद रखिएगा, क्या याद रखना है, ट्रायंगल को भाग बांट दीजिए, कौन भाग में, 3 भाग में, ऊपर डी रहेगा और नीचे एस टी रहेगा, डी एस टी, डिस्ट्रिक्ट बोलते ना, डिस्ट्रिक्ट, डी एस टी याद रखिएगा, ठीक ना, तो डी ऊपर है और एस टी दोनों आपस में है ऐसे, ठीक है। तो यहां समझिएगा, अगर हमको डिस्टेंस निकालना हो, अगर हमको डिस्टेंस निकालना हो, अगर हमको डिस्टेंस निकालना हो, ठीक है, तो डिस्टेंस निकालना, तो इसे इस ट्रायंगल से निकालिए, तो ऊपर का है डी, डी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एस इंटू टी, एस ऐसे पाई है मतलब इंटू टी, ठीक है ना, तो डिस्टेंस हो गया, डिस्टेंस क्या हो गया, दूरी इज इक्वल टू क्या होगा, एस मतलब स्पीड
एस मतलब स्पीड मतलब चाल इंटू समय, ये हो जाएगा ना, स्पीड इंटू टाइम, डिस्टेंस क्या हुआ, दूरी क्या हुआ, सॉरी स्पीड इंटू टाइम हो गया, ठीक है ना। अगर डिस्टेंस निकालना हो तब मान लीजिए हमको निकालना है, ये तो समझ गए। दूसरा नंबर पर देखते हैं, हमको निकालना है एस, एस मतलब समय, एस मतलब क्या होगा, समय, हमको निकालना है एस मतलब सेकंड, सेकंड ठीक है ना, सेकंड मतलब समय, सॉरी एस मतलब होता है क्या, स्पीड ना, एस मतलब स्पीड हो जाएगा, सॉरी गलती कर दी है, सेकंड नहीं होगा स्पीड होता है। मान लीजिए हमको निकाला एस, एस मतलब स्पीड, स्पीड मतलब चाल, ठीक है, चाल निकालना है तो क्या करेंगे, यहां पर देखिए सीधा सीधा है, एस इक्वल टू हो जाएगा डी अपन टाइम, हो जाएगा ना, एस इक्वल टू क्या हो जाएगा, डी अपन टाइम मतलब डिस्टेंस अपन दूरी, डिस्टेंस अपन समय मतलब विस्थापन अपन समय, यही होगा ना। अगर मान लीजिए हमको निकाला टी, तो टी निकालेंगे तो क्या होगा, डिस्टेंस अपन स्पीड, टी निकालना हो टाइम तो क्या हो जाएगा हमारा, डिस्टेंस अपन, डिस्टेंस अपन क्या हो जाएगा स्पीड। तो ये ट्रायंगल याद रखिएगा तो आपको याद हो जाएगा, ठीक है, कुछ नहीं करना है, बस ये याद रखना है कि भाई डी एस टी होता है, ठीक है, अगर इसको निकालना है तो एस इंटू टी हो जाएगा, ठीक है। और मान लीजिए हमको हमको निकालना है इसमें एस निकालना, स्पीड निकालना है, तो ये हो जाएगा डी अपन टी, क्या हो जाएगा डी अपन टी इक्वल टू डी अपन टी। मान लीजिए हमको निकालना है टी टाइम, तो डी अपन एस हो जाएगा, है ना। तो बस एक याद रखिएगा तो ऐसा समझ में आ जाएगा, तो मुझे लगता है कि आपको ये याद होगा। बार का स्किल टेस्ट के बारे में बच्चा एक कमेंट कर रहा है, शशि प्रकाश बाबू, हम पूछ लेंगे, ठीक है, अभी तो उनसे बातचीत हुआ था, वीडियो बनाए थे कि वो लोग बताने के लिए बोले हैं, तो शायद वो संपर्क नहीं कर पाए होंगे, वो लोग उसी कलकत्ता में वहीं पे डिपार्टमेंट में काम करते हैं, तो बात हुई है, आज हम एक दो दिन के अंदर में हम कंफर्म बताएंगे, ठीक है, इसको समझिए, ठीक है। तो ये हो गया, अब आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ेंगे तो यहां पर देखिए वेलोसिटी, अब तो चाल पड़ गए, वेलोसिटी मतलब वेग, ठीक है ना, और वेग क्या है, एक सदिश राशि है, क्या है, सदिश राशि, और चाल अदिश राशि है, याद रखना। और इसका क्या होता है, परिणाम और दिशा, परिणाम और दिशा दोनों क्या होता है, पता होता है, जानकारी होता है, इसीलिए इसको हम लोग सदिश राशि बोलते हैं, जिसका परिणाम और दिशा दोनों मालूम हो उसको सदिश राशि बोलते हैं, ठीक है। किसी वस्तु के विस्थापन की दर को या एक निश्चित दिशा में प्रति सेकंड वस्तु द्वारा तय की गई दूरी को वेग कहते हैं। वेग क्या होता है, देखिए ये वेग में सीधा दिखाया हुआ है भाई, इस घर से स्कूल आपको जाना है तो मालूम है कि हमको घर से स्कूल तक जाना है, दिशा पता है ना कि इस घर से इधर स्कूल है मेरा, इधर जाना, दिशा क्या है मालूम है, दिशा मालूम है। मैग्नीट्यूड, तो भाई ये दो जो ये दूरी है वो 8 किलोमीटर है, कितना है 8 किलोमीटर है, मैग्नीट्यूड भी पता है कि भाई 8 किलोमीटर दूरी है, तो अगर निकालना होगा हमको क्या वेलोसिटी, देखेंगे हम लोग दूरी बटा समय, यही लिखता है ना, दूरी बटा समय, तो दूरी कितना है हमारा 8 किलोमीटर, तो किलोमीटर को मीटर बदल देंगे यहाँ पे 1000, 1 किलोमीटर में 1000 मीटर, बटा समय कितना लग रहा है 15 मिनट, तो समय को किसमें लिखते हैं सेकंड में ना, तो 15 × 60 कर देंगे, 1 मिनट में 60 सेकंड, तो 15 × 60 जो निकालेंगे तो मीटर पर सेकंड में आएगा, ठीक है। तो इसमें जो वैल्यू आ रहा है इसमें सब मालूम है कि भाई किधर जा रहा है, घर से स्कूल जा रहा है, कितना दूरी तक जा रहा है, 8 किलोमीटर तक जा रहा है, कितना समय लग रहा है, तो भाई 15 मिनट समय लग रहा है, तो ये मुझे मालूम है। तो जिसमें मैग्नीट्यूड मतलब परिणाम और दिशा दोनों मालूम होता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग, वेलोसिटी सदिश राशि बोलते हैं, ठीक है, बस यही इसमें लिखा हुआ है। अब इसका जो यूनिट होता है ना चाल और वेलोसिटी का, तो या तो मीटर पर सेकंड में लिखिए, या किलोमीटर पर आवर में लिख दीजिए, या माइल पर आवर में लिखिए, लेकिन ऐसा नहीं लिखेंगे कि भाई किलोमीटर पर मिनट नहीं लिखेंगे हम कभी भी, ठीक है ना, गलत हो जाएगा। किलोमीटर के साथ हम आवर लिख देंगे, किलोमीटर पर आवर है ना, किलोमीटर पर आवर, माइल पर आवर लिख सकते हैं, मीटर है तो मीटर के साथ सेकंड, सेकंड में बदल के लिखेंगे, मतलब ऐसा यूनिट में ही हम हमेशा लिखेंगे।
है ना, यहाँ पर दिया हुआ ना किलोमीटर दिया हुआ है और मिनट दिया हुआ है। तो हम दूरी बटा समय जो होता है, दूरी बटा समय जो होता है, तो ये हो जाएगा 8 किलोमीटर अब पर 15 मिनट, 15 मिनट इन दिया हुआ है। तो ये गलत है, ऐसे नहीं लिखेंगे। या तो किलोमीटर को आप मीटर में बदल दीजिए और समय को सेकंड में बदल दीजिए, तो मीटर पर सेकंड हो जाएगा। और नहीं तो ये किलोमीटर में है तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो मिनट है ना इसको घंटा में बदल दीजिए। किसमें? घंटा में बदल दीजिए तो काम हो जाएगा। तो दोनों में से करना हो, या तो इसको घंटा में बदल दीजिए और नहीं तो मीटर मीटर पर सेकंड में बदल दीजिए। मतलब ये वाला डायमेंशन चार गो चलेगा, तीन गो, मीटर पर सेकंड, किलोमीटर पर आवर और माइल पर आवर। ठीक है, आगे हम क्वेश्चन करेंगे तो समझ में आएगा हम लोगों को। अब आगे बढ़ गए तो डिफरेंस बिटवीन स्पीड एंड वेलोसिटी, ठीक है ना, बोल रहा है कि दोनों में अंतर क्या है, क्या पूछ रहा है, वेग क्या है, डिफरेंस बिटवीन स्पीड चाल और वेग में अंतर क्या है, वेग में अंतर पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, चाल और वेग में अंतर, अंतर क्या होता है। तो भाई दो ही अंतर है, सबको मालूम है। पहला क्या होता है भाई, पहला जो अंतर होता है समझिए, आइए यहां पर दिखाते हैं आपको अंतर, कि यहां पर लिखा भी हुआ है कि द रेट ऑफ चेंज ऑफ प्लेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज इट्स स्पीड। बोल रहा है कि किसी निश्चित समय में जो स्थान को हम छोड़ते हैं, चेंज करते हैं, एक निश्चित टाइम के अंदर में हम अपने स्थिति को या उस स्थान को हम छोड़ के आगे बढ़ते हैं या पीछे बढ़ते हैं, उसको हम स्पीड बोलेंगे, है ना। लेकिन यहां बोलता है कि एक निश्चित दिशा में हम अपने गति को बदलते हैं। जैसे यहां पे क्या होगा कि आप स्थान में परिवर्तन कर रहे हैं, लेकिन किधर परिवर्तन कर रहे नहीं मालूम है, पीछे जा रहे हैं कि आगे जा रहे हैं कि साइड में जा रहे हैं कि लेफ्ट साइड राइट साइड किधर जा रहे हैं, ये मालूम नहीं होता है, लेकिन स्थान का परिवर्तन होता है इसमें भी। यहां भी स्थान का परिवर्तन होता है, लेकिन एक निश्चित दिशा के अंदर में होता है कि आपने पूर्व की तरफ गया, पश्चिम की तरफ गए, आगे गए, पीछे गए, बाएं गए, दाएं गए, ये मालूम रहता है। और इस डायरेक्शन में, एक निश्चित डायरेक्शन आप अपने स्थान को परिवर्तित करते हैं या दूरी को तय करते हैं, तो उसको हम वेलोसिटी बोलेंगे। इसमें केवल स्थान परिवर्तन होता है, लेकिन यह नहीं मालूम होता कि किधर गया, तो उसको हम लोग चाल बोलते हैं। अंतर समझ गए, डायरेक्शन इसमें नहीं होता है, इसमें डायरेक्शन होता है। ठीक है, दूसरा नंबर क्या होता है कि भाई गति में दिशा व्यक्त नहीं की जाती है, केवल परिणाम व्यक्त किया जाता है। गति जो होता है ना, इसमें दिशा व्यक्त नहीं होता है, क्या होता है, केवल परिणाम होता है। इसमें केवल परिणाम होता है कि 5 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, 10 मीटर पर सेकंड, ऐसे होते। ये क्या है, मैग्नीट्यूड है। यहां भी वही रहेगा, यहां भी क्या रहेगा, 10 मीटर पर सेकंड लेफ्ट या राइट, ईस्ट वेस्ट पूर्व पश्चिम लिखा रहेगा कि किधर गया है। ठीक है, तो यहां परिणाम और दिशा दोनों होता है, यहां पर केवल परिणाम होता है, दिशा नहीं होता है। ठीक है, इसका जो फॉर्मूला है, डिस्टेंस कवर इन बटा टाइम, डिस्टेंस कवर बटा टाइम, मतलब विस्थापन अपन टाइम। यहां होता है कि डिफाइनाइट डायरेक्शन टाइम, यहां भी विस्थापन अपन टाइम है, लेकिन यहां क्या होता है कि किस दिशा में गया है, दिशा यहां हेलो, तो बैटरी लग रहा है कि डाउन हो चुका है। अब आवाज आ रही होगी आप लोगों को, ठीक है, तो कभी कभी साउंड हो जाता है डिस्टर्ब। बहुत देर से साउंड नहीं आ रहा था क्या है?
कि तीसरा नहीं होता है। तो आप लोग बताइए। तो कभी कभी साउंड हो जाता है डिस्टर्ब। ये हो गया है ना पूरा, इसमें साउंड समझ में आया था ना यहाँ तक? हेलो, चलिए तो अब हम लोग आगे बढ़े। देखो आज बहुत परेशानी हो रही है साउंड को बार बार, ठीक है गुडू कुमार, चलो यहां तक हो गया। नेक्स्ट अब हम लोग एक्सेलरेशन के बारे में पढ़ेंगे, है ना। एक्सेलरेशन मतलब क्या होता है? त्वरण होता है। क्या होता है? त्वरण होता है, त्वरण आधा त होता है, त व अरण त्वरण, ठीक ना। एक्सेलरेशन मतलब त्वरण। अब बाबू आवाज आ रहा होगा, ठीक है। हाँ थोड़ा साउंड में दिक्कत हुआ है, उसके लिए परेशान नहीं होना है। तो ऐसा करते हैं कि आज यहीं तक हम रखते हैं क्लास को, ठीक है। इसके बाद ये सारी चीजें हैं पढ़ेंगे हम लोग। कल का क्लास काफी इंपॉर्टेंट रहेगा, हम यहां तक लाके छोड़ दिए, ठीक है ना। ये शुरू करने से पहले कल का भी हम ब्रीफ कर लेंगे। यहां तक क्लास को हम ऑफ कर रहे हैं, अब हम लोग कल मिलेंगे। लेकिन आप लोगों से गुजारिश है कि रेगुलर इस बेसिक साइंस को कंप्लीट कर लेना है, क्योंकि वैकेंसी की संख्या 18,000 हो गई है, मालूम है ना, 5,000 से 18,000। अब जिस तरह से 3 गुना भर्ती को बढ़ा दिया गया है, उसी 3 गुना रफ्तार से पढ़ाई भी करनी है। और एक बार फिर से मैं विश्वास दिलाता हूं कि बेसिक साइंस और इंजीनियरिंग ड्रॉइंग का जो 50 नंबर का क्वेश्चन आएगा पार्ट बी में, उसके लिए आप मेरे भरोसे छोड़ दीजिए। हम आपको नैया को अच्छे से पार लाएंगे और मेरिट लिस्ट में आपका नाम आएगा, इस बात की गारंटी है। बस CBT 1 को क्वालिफाई करना है, पढ़ते रहना है। CBT 1 पर खूब फोकस करिए, खूब मेहनत करिए, दम लगाकर जम कर करिए। और बहुत जल्द हम सेट CBT 1 का लाने वाले हैं। सेट को खूब प्रैक्टिस कर लीजिएगा, वो सेट में अगर आप प्रैक्टिस करते हैं तो सब काम हो जाएगा, ठीक है ना। और CBT 1 जैसे आप क्वालिफाई करेंगे, उसके बाद मेरी गारंटी है कि आपका सिलेक्शन हम दिलवाएंगे, ठीक है। क्योंकि टेक्निकल भी मुझे मालूम है, बेसिक साइंस ड्राइंग भी मालूम है, और जब CBT 1 क्वालिफाई करके आएंगे तो मैथ और रीजनिंग आप खुद पढ़े होंगे, ठीक है। तो इधर कोई दिक्कत ही नहीं है, बस मेरे साथ बने रहिएगा। और LP का CBT 1 का प्रैक्टिस सेट 10 जुलाई से लॉन्च हो जाएगा। कब से होगा? 10 जुलाई से CBT 1 का प्रैक्टिस सेट लॉन्च होगा। आप लोगों को एक जानकारी मैं दे ही देता हूं, अभी बहुत सारे बच्चे सवाल पूछते हैं, तो आपको मैं बता दूं कि CBT 1 का प्रैक्टिस सेट PDF के रूप में आपको मिलेगा। डाउनलोड भी करना तो करना, डाउनलोड का ऐसा ऑप्शन नहीं रहेगा। और विथ सॉल्यूशन, PDF विथ सॉल्यूशन के साथ में आपको मिलेगा। और ये टोटल जो होगा, टोटल जो सेट होगा, ये लगभग 30 से लेकर कितना होगा, 50 सेट आपको देंगे। 30 कंप्लीट हो गया है, 30 सेट कंप्लीट है मेरा, और इसको हम 50 तक ले जाएंगे, ठीक है। और जो ऑनलाइन बच्चे पढ़ रहे हैं उनको एप्लीकेशन पर दे देंगे, और जो ऑफलाइन आकर इसका प्रैक्टिस करना चाहते तो ऑफलाइन भी आएंगे, तो प्रैक्टिस सेट चलेगा 10 जुलाई से। याद रखिएगा डेट, 10 जुलाई से चलेगा, और सभी लोग इसे करेंगे। और जो जो ये सेट को लगा लेगा, समझ लो कि CBT 1 में बस क्वालिफाई है, ठीक है। BSPC का तो क्लास चल ही रहा है बाबू, क्यों परेशान हो। राहुल कुमार बहुत बहुत धन्यवाद। उपेंद्र, BSPCL क्लास कितने बजे चलता है? सुबह में 9 बजे BSPCL का प्रैक्टिस चलता है यूट्यूब पे, इसी चैनल पे, और ऑफलाइन क्लास 11:30 से चलता है टेक्निकल का, ठीक है।
बीएसपीसीएल का प्रोबेशन पीरियड देखिए, 2 साल का बीएसपीसीएल का ट्रेनिंग पीरियड होता है। अब अभी हम लोग एलपी की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो अगर ये 50 जो सेट हम आपको देने वाले हैं, 50 जो सेट देने वाले हैं, ये 50 सेट अगर बाबू प्रैक्टिस करते हो तो लगभग 100% गारंटी है कि CBT1 क्वालिफाई करोगे, क्योंकि CBT1 में जो सीटें है वो 18,000 हो गई है, और 18,000 इंटू 15 गुना कर लेना, लगभग ये 2 लाख के आसपास पहुंच रहा है संख्या, ठीक है ना, 2 लाख के आसपास पहुंच रहा है। तो 2 लाख सीट है CBT1 के लिए, और इसमें वही बचा सक्सेस करेगा जो CBT1 का क्वेश्चन का प्रैक्टिस कर ले बढ़िया से, और CBT2 का जो ड्राइंग और बेसिक साइंस को थोड़ा थोड़ा पढ़ते रहे, क्योंकि होगा क्या कि जब आप CBT1 क्वालिफाई करेंगे ना तो टाइम नहीं मिलेगा कि आप बेसिक साइंस और ड्राइंग पढ़े, और ड्राइंग आपको ले डूबेगा। लेकिन अभी से अगर आप मेरे साथ जुड़े हुए हैं तो मैं आपको ड्रॉइंग और साइंस का 2-4 हजार क्वेश्चन प्रैक्टिस करा दूंगा फ्री में, कोई चार्ज नहीं है। बस चैनल पर बने रहिए, लाइक शेयर और सब्सक्राइब करते रहिएगा, और आप लोग बहुत प्यारे बच्चे हो, बहुत अच्छे से पढ़ते हो, रेगुलर आते हो, और मजा लेके हम लोग पढ़ रहे हैं, तो इसी तरह से हम लोग पढ़ते रहेंगे। अभी हर चैप्टर पे 15-20 क्वेश्चन करा रहे हैं, कंसेप्ट क्लियर कर रहे हैं, बेसिक पढ़ा रहे, कंसेप्ट क्लियर कर रहे हैं। आने वाले दिनों में हम बहुत टिपिकल टाइप का क्वेश्चन कराएंगे जो एग्जाम में आपको कंफ्यूज कर देगा, उस तरह क्वेश्चन कराएंगे, ठीक है। बस आप लोगों से उम्मीद है आप मेरे साथ बने रहेंगे और डेली क्लास में आएंगे। क्लास जो चलता है डेली आप लोगों का मालूम ही होगा, सारे बच्चे जानते हैं, जो नहीं जानता उनको मैं बता दूं कि क्लास चलता है सोमवार से गुरुवार, ठीक है, सोमवार से गुरुवार कभी कभी, लेकिन मंडे टू वेनेसडे डेली चलता है, ठीक है। जिस दिन नहीं चलेगा उस दिन बता देते हैं, और समय यही रहेगा, मतलब आगे भी यही रहेगा, जब एग्जाम का टाइम आएगा उस समय भी यही टाइम रहेगा, ठीक है। तो डेली जुड़िएगा, लाइक शेयर कमेंट में कभी मत करिएगा, मिलेंगे फिर आप लोगों से, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच। गुडू कुमार, विनय मौर्य, एसके लाइफ, श्रद्धा डोभले, श्रद्धा तुम तो गायब थी, सुबह से दिखाई नहीं दी, ठीक है, अभी कमेंट कर रही है, पढ़ाई अच्छे से करना, कम से कम 60 नंबर आना चाहिए, 60 से 70 के बीच में रहेगा तब CBT1 एकदम टारगेट लेके जाए, 60 से 70 लाना पड़ेगा, ठीक है ना, भले 50 नंबर चल जाए बात अलग है, लेकिन टारगेटेड रखना 60-70, और अभी तो 100% के लिए तैयारी करो, ठीक है। और ये ना तुम लोग समय पाया करो, ये नहीं डेली जो पढ़े सबका नाम मुझे याद है, जो डेली आता है क्लास में सबका नाम याद है, और दिल से सबके लिए मेरा प्यार है कि आप लोग क्वालिफाई करेंगे, है ना, और अंत तक आपके साथ रहेंगे, नाम याद है इससे फायदा एक और होगा, जब समय आएगा ना इसका CBT2 का, तो हो सकता है आपको फ्री में हम एप्लीकेशन पर भी क्लास दे दें आपको पढ़ाने के लिए, पर्सनल जूम मीटिंग में आपको हम गाइड करें ये भी होगा, टेलीग्राम में पर्सनली आपको ऐड करें हम, ये सब करेंगे, क्योंकि मैंने वादा जो किया है ना कि 50 नंबर ड्राइंग और बेसिक साइंस मेरे साथ जुड़े रहना है, तो उनके साथ जुड़े रहेंगे, इसीलिए सब लोग समय पाएंगे, डेली क्लास करेंगे, ठीक है। चलिए बाय, अब बाद में मिलेंगे, ठीक है, आज क्या बस इतना ही है, गुड बाय, कल आना फिर तुम लोग पढ़ने के लिए, एंड कर रहे हैं क्लास, ओके बाय। Mm-hmm.